हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय आईएएस यूट्यूब चैनल और मैं मनीष भारती आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वह आपके डिमांड पे है। मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW जब आप करते हैं तो आप जनरल प्रिपरेशन करते हैं। एक जटिल काम है, पर इतना भी जटिल नहीं कि इससे भागा जाए, और भागना संभव भी नहीं है क्योंकि आपके कोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसमें हम आपको मैंने तय किया है कि वैसे मैंने अपने इस चैनल पे आप इग्नू और सोशल वर्क के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो बहुत सारे जनरल BSW, MSW और MSWC और जो इसके PG डिप्लोमा के कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, इन सबों पे जनरल्स का हूबहू वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके सबके लिए देख लें। एक नोटिस है आपके लिए, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बहुत सारे फ्रेंड्स का कॉल आता है कि मैं MSW कर तो रहा हूँ, BSW कर रहा हूँ, लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश जो भी, MSWC कर रहा हूँ, पर मुझे गाइडेंस सही नहीं मिल पाता है। डिस्टेंस एजुकेशन से बहुत ज्यादा लोग आजकल MSW कर रहे हैं, काफी पॉपुलर है इग्नू इसके लिए। बाकी भी यूनिवर्सिटी से अगर कर रहे हैं, आप DU कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आप अमेठी से कर रहे हैं, TIS से कर रहे हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से, आप कहीं भी से MSW, PSW या MSWC का कोर्स कर रहे हैं, आपको जनरल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे रिसर्च करने पड़ेंगे, इंटर्नशिप करना पड़ेगा। अगर इससे रिगार्डिंग, जनरल प्रिपरेशन से रिगार्डिंग अगर आपको कोई हेल्प मेरे से चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां जाकर के बेहिचक मुझसे संपर्क करें। पूरे जनरल का PDF मेरे पास अवेलेबल है। BSW तीनों साल का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। MSW दोनों साल का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। MSWC का दोनों साल का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ब्लॉक प्लेसमेंट अब जुड़ गया है, उसका भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सभी के PDF पूरे कंप्लीट जनरल का, लाइन 1 से लेके आखिरी पेज तक, आखिरी पंक्ति तक मेरे पास जनरल प्रिपेयर होकर के रखा हुआ है। आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ये आपको हेल्पफुल होगा जब आप जनरल बनाओगे, जब आप रिसर्च करते हो किसी चीज पे, तो पिछले अगर किसी ने वर्क कर रखा है तो उसको देख करके लिखना, उसको उसकी समझ करना, समझ लेना आपके लिए यूजफुल हो सकता है। आप मॉडिफाई करके उसमें और अपना जनरल प्रिपेयर करके आप अपने इस कोर्स के जो पढ़ाई है उसको बहुत आसान बना सकते हो। तो आइए, ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन। काम की बात क्या है आज के लिए? आज के लिए काम की बात यह है कि आज जिस टॉपिक पे चर्चा करना करेंगे हम, ये हमने तय किया है कि जनरल में जितने भी टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, आपने सुना होगा, इंडक्शन मीटिंग है, लॉन्ग सीट है, ओरिएंटेशन विजिट है, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस है, ग्रुप कॉन्फ्रेंस है, कंक्रेंट विजिट है, सेल्फ एवोल्यूशन है, लॉन्ग सीट है, एजेंसी प्रोफाइल है ना। ये सभी टॉपिक मैं एक एक वीडियो में आपको बना करके आपके बीच ला के रख दूंगा, सही से एक्सप्लेन करके कि ये टॉपिक है क्या, ताकि आप जब जनरल प्रिपरेशन करें तो आपको दिक्कत ना हो, आपको इधर उधर भागना ना पड़े। कई बार टीचर से कांटेक्ट हो ही नहीं पाता है, आपके जो फील्ड वर्क सुपरवाइजर होते हैं, स्टडी सेंटर बहुत दूर होता है, मेरे पास जो फोन कॉल्स आते हैं, जैसे साउथ इंडिया से कॉल्स आते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट से जो कॉल आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि जैसे मेघालय का कॉल है तो शिलांग में केवल एक स्टडी सेंटर है, गुवाहाटी असम में है, और नाचला में बस एक स्टडी सेंटर है, मणिपुर त्रिपुरा यहाँ का एक एक स्टडी सेंटर है पूरे करने के लिए, और उसमें भी MSW BSW कोर्स का और भी बहुत कम स्टूडेंट है। नागालैंड में जैसे एक ही कोहिमा में स्टडी सेंटर है और MSW के स्टूडेंट बहुत कम है, क्योंकि मेरे पास कॉल बहुत वहां से आते हैं, जम्मू कश्मीर से मैं देखता हूँ, हिमाचल से, उत्तराखंड से, पंजाब से, हरियाणा से, यहाँ स्टडी सेंटर बहुत कम है, और जहाँ हैं भी तो MSW के लोग बहुत कम है। अगर आप दिल्ली में हैं, महाराष्ट्र में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ थोड़े बहुत सारे जो स्टडी सेंटर हैं, MSW करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ थोड़े बहुत आपको हेल्प मिल जाता है। पर अगर नहीं है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, जनरल प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझसे जनरल ले सकते हैं और अपनी सफर को आसान बना सकते हैं। तो फिलहाल जो मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक टॉपिक को आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आज के वीडियो में जो मैं जनरल की शुरुआत करने वाला हूँ, वह मैं शुरुआत करूंगा कि इंडक्शन मीटिंग क्या होता है। इंडक्शन मीटिंग आखिर जनरल जब ओपन करते हैं ना, तो पहला आता है शुरुआत लिखने का, तब आता है इंडक्शन मीटिंग। इंडक्शन मीटिंग का हिंदी मतलब होता है आगमन बैठक। आपके जो मैं दोनों लैंग्वेज में कर देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो लोग लेते हैं उनके लिए यूजफुल हो जाएगा ये। तो इंडक्शन मीटिंग इंग्लिश में और आगमन बैठक हिंदी में। अब इसका मतलब क्या है, देखिए नाम से ही पता है, इंडक्शन आगमन, यानी कि जब आप कोर्स का प्रारंभ करते हैं, पहले दिन जब आप अपने क्लास में जाते हैं, आपने एडमिशन लिया MSW में, BSW में, MSWC में, पहले दिन जब आप क्लास में जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता है MSW क्या है, आपको कुछ नहीं पता BSW क्या है, आप जाते हो क्लास में,
आप थोड़े बहुत एडमिशन के टाइम जानते हो, सभी लोग का ऐसी जानकारी रहती है। अगर आपके पास बहुत नॉलेज इन चीजों का नहीं है तो परेशान मत होइए, क्योंकि कुछ लोग मैसेज करते हैं तो कहते हैं कि मैं ये कोर्स छोड़ने वाला हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये कोर्स, तो फिर मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ती है। इतना कठिन भी नहीं है। इंडस्ट्रियल मीटिंग होता क्या है, बहुत बारीकी समझाता हूँ, बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए आप आज, और फिर अपने जर्नल में इसको लिखिए, धूमधाम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले दिन जब आप क्लास में जाते हैं तो आप क्या क्या करते हैं, कहीं भी जब पहली बार जाते हैं आप क्या क्या करते हैं, आप वहाँ के जो प्रबंधक होते हैं उससे जानते हैं। आप क्लास के प्रबंधक कौन है, टीचर, यानी कि आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर। फील्ड वर्क को क्या कहेंगे, क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक हिंदी में। तो जो आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर हैं आप उनसे मिलते हैं। बाकी जो सोशल वर्कर्स होते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है, जान पहचान होती है। आप टॉपिक के बारे में जानते हैं, आप सिलेबस के बारे में जानते हैं, आपको मटेरियल मिलता है, जनरल प्रिपरेशन कैसे करना है आप ये जानते हैं, थ्योरी पेपर में असाइनमेंट कितने होंगे इसकी भी जानकारी मिलती है, असाइनमेंट बनाना कब है, सबमिट कब करना है, बनाना कैसे है, क्या पॉइंट होंगे, ये सभी चीजों की जानकारी आपको दी जाती है आपके फील्डवर्क सुपरवाइजर के द्वारा। आप ये जानते हैं कि इंटर्नशिप कहाँ करना है, आप ये जानते हैं कि जनरल प्रिपरेशन कहाँ करना है, आप ये जानते हैं कि ब्लॉक प्लेसमेंट कैसे बनाना है। आपको ये पता चलता है कि जब आप एनजीओ में जाओगे इंटर्नशिप करने, कौन कौन एनजीओ आपके काम के हैं, क्या वो आपके जॉब में जब आप करने जाओगे रिलेवेंट हैं। कहने का तात्पर्य मोटा मोटी आसान शब्दों में मैं कहूं तो जितनी सारी बातें आपको कोर्स से रिलेटेड, अपनी पाठ्यक्रम से रिलेटेड पहले दिन पता चलता है, पहले दिन की क्लास में आपके टीचर से, आपके सहपाठी से, जहां से भी आपको जानकारी उस दिन मिले, जो जो क्रियाएं क्लासरूम में होगी वही सभी इंडक्शन मीटिंग का हिस्सा होता है। आसान भाषा में समझ लीजिए। हाँ, जब आप लिखेंगे थ्योरेटिकली तो स्टैंडर्ड वर्ड में लिखिए इसको, है ना, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो दो तीन चार पेज का होता है, आप अपने बारे में लिखिए, जैसे शुरुआत कीजिए तो अपने बारे में से शुरुआत कर सकते हैं कि, और ध्यान रखना है कभी भी मैं, अपना नाम, आई, योर नेम, इन सब चीजों से शुरुआत नहीं करना है। शुरुआत क्या करना है, एज अ सोशल वर्कर, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री है ना, तो आप, आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप एज ए सोशल वर्कर एक महत्व रखते हैं समाज के बीच। तो आप एज ए सोशल वर्कर वहां जब जा रहे हो तो वहां उन चीजों को आप लिखना शुरू करो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, वहाँ आप छात्र भी, कई जगह क्या करते हैं, मैं कई जगह से कॉल आता है, खास करके जब उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों का मैं देखता हूँ, मध्य प्रदेश, उनका जब मैसेज आता है या कॉल आता है तो वो कहते हैं कि वहाँ के जो फील्ड वर्क सुपरवाइजर हैं वो उनसे कहते हैं कि आप सामाजिक कार्यकर्ता ना लिखें, आप सोशल वर्कर ना लिखें, आप स्टूडेंट लिखें, है ना। तो आप क्या तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों लिख सकते हैं, एज ए सोशल वर्कर, स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्कर, दोनों ही आप हैं। तो आप लिखें कि प्रथम दिन मैं जब गया हूँ एज ए सोशल वर्कर वहाँ, तो मुझे सिलेबस के बारे में जानकारी मिली क्लास में, अपने बहुत सारे क्लासमेट से मिला जो सोशल वर्क में है, डिफरेंट सारे एनजीओ पे वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो मुझे सब कुछ जानकारी, असाइनमेंट के बारे में, पाठ्यक्रम, सिलेबस, क्लास में, इंटर्नशिप कैसे करना है, जर्नल्स कैसे लिखना है, इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से आप लिखते हैं, समझ गए। तो अगर चार पांच पेज का है ये सब, एक फॉर्मेशन में लिखें कि पहला दिन आप गए तो क्या क्या हुआ, फिर ऑब्जर्वेशन एक लास्ट टॉपिक। देखिए, लिखने का दो चीजें होती है कि आप कितना अच्छा जानते हैं, यह बहुत मायने नहीं रखता आज के समय में। आज के समय में नॉलेज का मतलब है, हो गया है इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, चाहे रिटेन, प्रेजेंट कैसे दो फॉर्म में कर सकते हैं, ओरल और रिटेन। तो जनरल जो है रिसर्च पेपर जब आप करते हैं तो आप बोलते हुआ नहीं है, आपकी मौखिक बातें नहीं जाती है, आपके जो रिसर्चर होते हैं वो लिखते हैं, तो आपको लिखना है जर्नल में, तो उसको बहुत स्टैंडर्ड शब्द में आप लिखिए। मैंने तो कहानी की तरह एक आपको बता दिया आसान शब्दों में ताकि आप समझें इन चीजों को, लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड भाषा में इन चीजों को लिखना है। एक सोशल वर्कर की तरह आपको बहुत बारीकी से चीजों को लिखते हुए, भाषाओं का सही मर्यादित उपयोग करते हुए आप उसको पूरा तैयार करें। तो फॉर्म एक प्रेजेंटेशन का कागज पे क्या होगा, पहला आप लिखें टॉपिक, शुरुआत का लिखें, शुरुआत कैसे आज आपका हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखें। इंडक्शन मीटिंग की बात कर रहा हूं, जब इंडक्शन मीटिंग आप लिखना शुरू करें तो पहला लिखें इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन में लिखा कि आज आप गए हैं, आपने क्या क्या जानकारी लिखी, फिर लिखें कि आपको आज जानकारी क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या नॉलेज गेन किया है आपने। पॉइंट वाइज में आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका है ये सब। आखिरी में जब एक पेज आए तो आप उसमें लिखिए ऑब्जर्वेशन कि आपने आज क्या क्या ऑब्जर्व किया है, किन किन चीजों को आपने समझा है,
विश्लेषण क्या है आपका ये भी लिख डालिए, और आखिरी में आप लिख सकते हैं कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है आपका किसी चीज को लेकर के, क्या आप जो आज का इंडक्शन मीटिंग लिए हैं आपको क्या लगता है आपके लिए यूजफुल रहा है, ये सब लिखें। आप अगले दिन का प्लान भी लिख सकते हैं, अन्यथा निष्कर्ष पे ही छोड़ सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया इंडक्शन मीटिंग लिखने का, है ना। आप अपने टीचर का यानी कि फील्ड वर्क सुपरवाइजर है उनका नाम भी इसमें शामिल कर सकते हैं, अपने स्टडी सेंटर का नाम शामिल कर सकते हैं, अपने रीजनल सेंटर का नाम शामिल कर सकते हैं। ये सब करना है ऊपर ही प्रथम पेज पे इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में। तो इस तरह से अगर आप बढ़िया से तैयार कर देते हैं तो 3-4 पेज का जो आपका इंडक्शन मीटिंग है वो तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडक्शन मीटिंग यानी कि आगमन बैठक से जितने भी जुड़ी समस्याएं होंगी आपकी वो समाधान हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी समस्याएं रह जा रही हैं, यह आपको चाहिए कि आप पूरा PDF ही ले लें, आप जनरल पूरा प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग एक बार PDF ले लें, जिस भी सिलेबस जिस भी टॉपिक आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज के हैं, डजंट मैटर, मेरे पास अवेलेबल है, आप लेना चाह रहे हैं आप उसे ले लें और एक सही तरीके से उसके अनुसार देख के आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। वो आपका एक समझ सकते हैं कि फ्रेमवर्क हो जाएगा और परफॉर्मा के तहत आप देख के लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी यूजफुल रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर कंटेंट अच्छा लगा होगा आपको, रहा होगा कि हाँ ये आपके लिए यूजफुल बातें हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इग्नू से कोई भी रिलेटेड क्वेरीज हो तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही यूजफुल है। डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आप यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। आज के समय में एजुकेशन, वैसे भी कहते हैं कि आज के टाइम में द सोर्स ऑफ नॉलेज इज इंटरनेट, ओके, और इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा है यूट्यूब। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे मटेरियल आपको यहाँ मिलता रहेगा। मैं खुद ही आकर के आपको सभी जो भी टॉपिक आपको कठिन लगे आप मुझे बताइए, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियो तैयार करके अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ, अपने सोशल वर्क के ग्रुप, क्लास ग्रुप वगैरह होगा, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो पेजेस वगैरह हैं वहाँ इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और उन्हें अपने कोर्स के काम करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। इन्हीं बातों के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम आएंगे, और अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, ओरिएंटेशन विजिट। तो ओरिएंटेशन विजिट के साथ, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुकूलन दौरा, तो अनुकूलन दौरा के साथ हम अगले टॉपिक मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।